नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मशीन में। आज हम बात करने वाले कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हो कि आजकल की कंपटीशन में आपका यूनिक कंटेंट कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है इसकी वेबसाइट में। तो आज हम बात करने वाले कि किस तरह से आप 3 स्टेप की मदद से आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगेन कॉपी करने से या तो कॉपी पेस्ट करने से। तो ये सिंपल बिल्कुल मेथड मैं आपको आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, यानी कि लाइव डेमो कि एक्चुअली किस तरह से, तो मैं आपको 3 स्टेप की मदद से आपकी वेबसाइट को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको सबसे पहले लाइव डेमो दिखाऊंगा। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो, अगर हमारे सब्सक्राइब तो आपको पता होगा कि हमारे vfeed.com नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे हम सेलिब्रिटी की बायोग्राफी वगैरह अपलोड करते हैं। जैसे कि इसमें से मैं कोई भी पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब ये वेबसाइट विजिट करके कोई भी यूज़र आएगा तो ना तो ये यूज़र यहाँ पे आके राइट क्लिक कर सकता है आपकी माउस की, अब आपको माउस की राइट क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी। इसके बाद कोई भी यूज़र आएगा तो ना तो ये किसी भी प्रकार का कंटेंट सिलेक्ट कर सकता है। देखिए, आप एक बार विजिट करके सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगी, राइट क्लिक नहीं होगी, ना तो आपकी कीबोर्ड में से F12 की भी वर्क करेगी। देखिए, मैं यहाँ पे F12 की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन वो भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आज के मैं आप बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिया, इसी तरह से हम आज करेंगे। और इसके बाद मेरे पास एक और वेबसाइट है, इसमें हम आज परफॉर्म करने वाले ये 3 स्टेप। जैसे कि देखिए, इस वर्ड में सब कुछ एनेबल है, यानी कि टेक्स्ट सिलेक्शन सबसे पहले, इसके बाद राइट क्लिक और F12 की, वो भी इस वेबसाइट में एनेबल है कि कोई भी जो राख F12 की प्रेस करेगा कीबोर्ड में से इस तरह से, तो यहाँ पे पूरा कोड भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है और आपको एक आर्टिकल विजिट करना है। देखिए, आपको आर्टिकल दिखाई देगा, इस तरह से आ जाएगा, हाउ टू डिसेबल राइट क्लिक एंड F12 की। तो आर्टिकल विजिट करके आपको आपकी वेबसाइट की एडमिन पैनल ओपन करनी है। सबसे पहले आप वर्डप्रेस यूज़ करो तो आपको वर्डप्रेस की एडमिन ओपन करना है डैशबोर्ड। और अगर आपके पास HTML या PHP में आपकी कस्टम वेबसाइट है तो भी ये पॉसिबल है। सबसे पहले आपको वेबसाइट का एडमिन ओपन होने के बाद आपको अपीयरेंस और इसके बाद आपको एडिटर पर क्लिक करके header.php नाम की एक फाइल फाइंड करनी है। इसकी मदद से आसानी से ये पॉसिबल है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, अपीयरेंस, इसके बाद एडिटर और कोई भी थीम आप यूज़ करो, आपको जस्ट header.php नाम की फाइल फाइंड करनी है। तो देखिए, यहाँ पे हम आ चुके हैं थीम एडिटर में और आपको फाइंड करना है theme.header.php नाम की फाइल, यानी कि थीम की हेडर फाइल। तो आपकी हेडर फाइल आसानी से ओपन हो जाएगी। इसके बाद सिंपली आपको आर्टिकल विजिट करना है। आर्टिकल विजिट करने के बाद आपको सबसे पहले वाला कोड कॉपी करना है, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। और ख़ास बात यह है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो हमारी मेन वेबसाइट में, इसमें राइट क्लिक, ना तो टैक्स सिलेक्शन और F12 की डिसेबल करने वाला हूँ क्योंकि ये यूनिक कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे कॉपी नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एनेबल रखूँगा तो आसानी से आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे। तो आपको ये कोड को कॉपी करना है राइट क्लिक करके। इसके बाद आपको आपकी हेडर फाइल में जाके, आपका जब हेडर एंड होता है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है इस तरह से, और आप अपनी हेडर फाइल को अपडेट कर दीजिए। इसी तरह से आपको सिंपली, इसके बाद आपको style.css फाइल फाइंड करनी है आपकी थीम में, या तो टॉप पे होगी या तो बॉटम में। तो style.css फाइल आपको ओपन करनी है। style.css फाइल ओपन होने के बाद आपको सिंपली जाना है नीचे वाले बॉक्स में, देखिए डिसेबल टैग सिलेक्शन, इसमें से आपको ये सभी कोड को कॉपी करना है, CSS कोड को इस तरह से, और आपको सिंपली आपकी CSS फाइल में बॉडी में पेस्ट करने हैं इस तरह से, देखिए। और आपको इस फाइल को अपडेट कर दीजिए, इस फाइल को अपडेट कर दीजिए तो आसानी से आप अपनी टैग सिलेक्शन को डिसेबल कर सकते हो। तो देखिए, ये हमारे दोनों काम हो चुके हैं। सबसे पहले हमने header.php फाइल में माउस की राइट क्लिक और कीबोर्ड की F12 की डिसेबल की, इसके साथ हमने CSS की फाइल का यूज़ करके यहाँ पे हमने डिसेबल कर दिया टेक्स्ट सिलेक्शन। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए, चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपकी वेबसाइट को प्राइवेट विंडो में ओपन करना है, क्योंकि देखिए, अगर आपने इस करंट ब्राउज़र में ओपन किया होगा तो कुछ इफेक्ट आपको ना दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं एक किसी भी आर्टिकल को विजिट कर देता हूँ और आपको मैं लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या हमारी माउस की राइट क्लिक, कीबोर्ड की F12 की और टेक्स्ट सिलेक्शन डिसेबल हुआ या नहीं। तो आर्टिकल की URL को आपको सबसे पहले कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहीं इसी ब्राउज़र की प्राइवेट विंडो ओपन करनी है और आर्टिकल को विजिट करना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या हमने जो तीनों स्टेप अप्लाई किए हैं वर्क करते या नहीं। अगर वर्क करते हैं तो ये तीनों स्टेप परफेक्टली वर्क करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे परफॉर्म करके रखा है ढेर सारी वेबसाइट पे और ये करंटली मैं इसे यूज़ भी करता हूँ।
सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं माउस की राइट क्लिक की प्रेस करके। देखिए मैं अब आपको माउस की राइट क्लिक का आवाज़ आएगा तो यहाँ पे नहीं वर्क कर रही है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर का स्टेप, अब क्या हमारे कीबोर्ड में से F12 की वर्क करती या नहीं। तो अब मैं कीबोर्ड में से F12 की प्रेस करता हूँ, आपको आवाज़ आएगी तो नहीं वर्क कर रही। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है कि क्या हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते या नहीं। तो सबसे पहला पैराग्राफ देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अब आपको आवाज़ आएगी। तो ये तीनों स्टेप, तीनों तरीके से आपकी वेबसाइट प्रोटेक्ट हो चुकी है। बस और सिंपल यही मेथड, इसके मदद से आसानी से आप अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो बस आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, आशा करता हूं आपको बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।